खबर आपको दें नाजरीन, एफबीआर डाटा लीक केस में बोल्ड न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में दायर की गई है। एहतिशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी एहतिशाम। हाँ जी बिल्कुल, बोल न्यूज के साथी शाहिद असलम जिनको लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया गया था, एफआईए इस्लामाबाद एंटी करप्शन सेल में रखा गया, उसके बाद अदालत से उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया था, दोबारा कल पेश किया गया, फिर 4 दिन के रिमांड की सजा की थी अदालत ने, वो मुस्तरद करते हुए शाहिद को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। आज स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत से उन्होंने बेल के लिए दरख्वास्त दी है और अदालत से सजा की है कि कैसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है जिसको उनका नाम ही नहीं, तो अदालत में जो है ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कुछ देर बाद जो है इसका जो इसकी समाप्त होगी और उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे आया उसकी को बेल देते हैं या नहीं। एहतिशाम अब्बासी बहुत शुक्रिया, हम इस लेकर आगाह कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।